हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सचिन कुमार भाटी और आप देख रहे हो हिंदी क्राउड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी डिवाइसेज पर लॉगिन जीमेल अकाउंट को किस तरीके से लॉग आउट या साइन आउट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता। अगर आपको नहीं पता कि YouTube चैनल को किस तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं तो दोस्तों, पहले अपना Gmail अकाउंट साइन इन या लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद जब आप जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अपना जीमेल अकाउंट साइन इन कीजिए। ईमेल आईडी डालिए अपनी, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद पासवर्ड डालिए, जो भी आपका पासवर्ड है, और उसके बाद साइन इन पर क्लिक करें। अब दोस्तों, आपको अपना जीमेल अकाउंट दूसरी डिवाइसेज पर से लॉग आउट करना है, इसलिए आप नीचे आइए, स्क्रॉल डाउन कीजिए अपने माउस को, आते रहिए नीचे, और अब बॉटम में आप इसमें तीन चीज़ें देख रहे हो। मैनेज में आपने कितना स्टोरेज यूज किया है उस सब की इंफॉर्मेशन है। उसके बाद टर्म्स प्राइवेसी है, और तीसरे नंबर पे आता है बॉटम में लास्ट अकाउंट एक्टिविटी 12 मिनट्स अगो डिटेल्स। डिटेल्स पे जाके आप चेक कर सकते हो इसकी डिटेल्स वगैरह। और अगर आपको लग रहा है कि आपने साइन इन नहीं किया है या आपने साइन इन किया है दूसरी डिवाइसेज पर, तो आप साइन आउट ऑल अदर वेब सेशन पे क्लिक करके उन सभी को लॉग आउट कर सकते हो। तो दोस्तों, हमने सक्सेसफुली साइन आउट कर लिया है अदर डिवाइसेस पर से। तो इस तरीके से दोस्तों, आप दूसरी डिवाइसेस पर से अपने जीमेल अकाउंट को साइन आउट या लॉग आउट कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके कोई प्रॉब्लम, डाउट, क्यूरीज है या कुछ मेरे को सुझाव आप देना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी सभी कमेंट का रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हो, हिंदी क्राउड ब्लॉगिंग और सॉल्यूशंस। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप मेरे ब्लॉग में एंटर हो जाओगे। अब यहाँ पे आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हो जिससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कैटेगरीज बनाई हुई है, इन कैटेगरीज में काफ़ी आर्टिकल्स मैंने लिखे हुए हैं। जैसे एडसेंस में 10 आर्टिकल, एंड्रॉयड में 2, बायोग्राफी 1, ब्लॉगर 48, ब्लॉगिंग 2, इस तरीके से जिससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है उस कैटेगरी पर क्लिक करके आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।